लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ एक्सरसाइज 14 दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स. क्वेश्चन नंबर 29 इज इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी हैज बीन गिवन इन व्हिच एबी इज 7.5 सेंटीमीटर. एबी 7.5 सेंटीमीटर है, बीसी हमारी 7 सेंटीमीटर है और एसी हमारी 6.5 सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड्स, और वो क्या कह रहा है, ऑन द बेस बीसी, बीसी बेस पर पैरेललोग्राम बी डी बी सी ई, एक पैरेललोग्राम है सेम बेस पे ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड. इसका एरिया पैरेललोग्राम का एबीसी ट्राइंगल के इक्वल है. फाइंड द हाइट ऑफ डीएल, ये डीएल एक हाइट दे रखी है, ये हमें हाइट निकालनी है. फ्रेंड्स पहले हम लिख लेते हैं क्या कह रहा है वो. ए बी हमारी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी हमारी दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड ए सी हमारी या सी ए हमारी दे रखी है 6.75 सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी ई के इक्वल है. राइट फ्रेंड्स, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये आइसोस्केलेस नहीं है क्योंकि दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा. हिरॉन्स फॉर्मूला होता था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. राइट फ्रेंड्स, अब एस निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 7.5 प्लस 7 प्लस 6.5 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 10 हो गया, कैरी 121 अपॉन 2 और वी कैन से दैट 10.5 आ गया. राइट फ्रेंड्स, डिवाइड करके तो अब एस की जगह अब हम 10.5 लिखेंगे. 10.5 माइनस 7.5, 10.5 माइनस 7, 10.5 माइनस 6.5. राइट, तो अब देखिए क्या आ गया, ये 10.5 एज इट इज, 10.5 में से 7.5 गए 3 बचा, 10.5 में से 7 गए 3.5 बचा एंड 10.5 में से 6.5 गए दैट इज 4 बचा. राइट फ्रेंड्स, नाउ अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा. आप चाहें तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं. राइट, 5 7 इज 35, 5 2 इज 10, 2 2 इज 4. राइट, 5 2 इज 10, 5 1 इज 5, 5 2 इज 10, 2 2 इज कैंसिल. राइट फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट में, 21 * 3 * 7, 21 * 3 * 7. राइट, तो 21 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 एक और था ही. राइट, 3 के पेयर बने एक बार बाहर निकला, 7 के पेयर बने एक बार 7 बाहर निकला, दैट मींस 21 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल गया हमें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी बी सी ई कितना हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां कर रही हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. अब ये कितना दे रखा था 21, बेस क्या है, सेम बेस था बीसी दैट इज 7 और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट कैसे निकलेगी, ये डिवाइड में चला गया, 21 upon 7, that is 3 centimeter is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.